आप देख रहे हैं कंचन टीवी, आपकी आवाज। कंचन फाउंडेशन के छठे कैंप में आज मुख्य अतिथि के तौर पर सत्यवान सैनी एचरा जी मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि किस प्रकार आज आप मुख्य अतिथि के तौर पर कंचन फाउंडेशन के छठे कैंप पे पहुंचे हैं, कैसा आपको महसूस? सर, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कंचन टीवी का, आप ये फाउंडेशन का। देखो, मैं भी मेंबर हूँ और आप लोगों ने, कंचन फाउंडेशन वालों ने मेरे को बुलाया है एज ए गेस्ट के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस प्रकार से हम पीछे भी हम गए हैं और हमने बुक्स भी दी हैं, आज भी हम ये बुक लेके आए हैं ताकि इस गांव में भी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बुक बच्चों में बटे और बच्चे इसको पढ़ के अपनी इंग्लिश मजबूत करें और इंग्लिश मजबूत करके सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में जाएं। क्योंकि ये बुक जो है, ये बेसिक इंग्लिश बुक है, मेरे द्वारा लिखी गई है। वो इसीलिए लिखी गई है क्योंकि यहाँ बच्चों का जो बेसिक है वो इंग्लिश का बहुत ही कमज़ोर है। बच्चे जो इसको पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और बेसिक क्लियर करना इंग्लिश का बहुत ज़रूरी है। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होता तो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए मैं इस गांव में भी चाहता हूं कि हर गांव, इस गांव के हर घर में ये मेरे बुक जाए ताकि बच्चे आगे बढ़े। सर, आप इतना खर्चा करते हो बुक को लेकर, क्या समाज सेवा में जुड़े रहने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं या एक अंतरात्मा को खुशी मिलती है? देखिए सर, खुशी तो मिलती ही मिलती है, और खुशी भी तब मिलती है जब हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी गरीब की। और ये बुक्स तो ऐसी हैं, चाहे गरीब हो या कोई अमीर हो, तो इसको पढ़ के जो बच्चे आगे बढ़ते हैं और दिखाई देता है कि भाई बच्चा आगे बढ़ा है, तो खुशी तो मिलती मिलती है, सीधी सी बात है। अभी तक आप कितनी पुस्तकें विस्तृत कर चुके हैं? सर, मैं इसके अलावा जब रेलवे ने 1,30,000 वैकेंसी निकाली थी पिछले साल, तब भी मैंने पूरे 72 गाँव में किताबें बांटी थी। वो जनरल नॉलेज की थी और लूसेंट वाली थी। और अब की बार मैंने जब देखा है सभी सेंटरों पे जाके स्पीडों में कि भाई बच्चों की इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, इसलिए मैंने ये बेसिक इंग्लिश बुक लिखी है। और अब ये बुक मैं बांट रहा हूँ, कम से कम भी आधे मतलब गांव जितने भी पढ़ते हैं मैं बांट भी चुका हूँ, और सब गाँव में पहुँचाऊँगा, हर गाँव के हर एक घर में इस बुक को मैं पहुँचाऊँगा ताकि बच्चे इसको पढ़ के हमारा हल्का सबसे ऊपर आए और सेंटर गवर्नमेंट बच्चे जाए। ऐसी क्या खासियत है सर इस बुक के अंदर, क्या और बेसिक इंग्लिश बुक जो आती हैं उनसे अलग है ये चीज़? सर, ये बेसिक के जो और बुक्स आती हैं ना, वो मैंने भी पढ़ के देखी हैं, लेकिन उसके अंदर है ना बिल्कुल खोल के नहीं लिखा होता। मैंने इसके अंदर पूरा खोल खोल के लिखा हुआ है, रूल बना के लिखे हुए हैं, हर एक स्टेप टू स्टेप मैंने इसमें लिखा हुआ है ताकि बच्चों को एक जैसे लोकल एरिया के हिसाब से बच्चे हैं उनके हिसाब से मैंने लिखा, वो पढ़ते ही अपने आप समझ में आता है। ये इसलिए मैंने लिखा है। ये खास बात इसमें यही है कि बिल्कुल खोल खोल के लिख रखा है। अगर ना भी पढ़ाओगे ना आप किसी को, बच्चा अपने आप भी पढ़ लेगा तब भी इसमें समझ आएगा, इतनी अच्छी बुक है ये। कंचन टीवी के माध्यम से आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहो? कंचन टीवी के माध्यम से सर, मैं यही संदेश देना चाहूँगा। पहले बात तो मैं गाँव के आदमियों से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा आदमी आए और अपना चेकअप कराएं, अपना स्वस्थ रहें, अपने आप को रखें। और बच्चों को भी यही सलाह दूंगा कि जिस प्रकार से मैं ये बुक दे रहा हूँ, इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें, 8वीं क्लास से लेकर ऊपर तक के जितने भी बच्चे हैं सारे पढ़ें और अपनी इंग्लिश मजबूत करें। इंग्लिश जब तक मजबूत नहीं होती तो आगे भी कोई भी कोर्स करते हैं, किसी भी प्रकार का है, तो उसमें इंग्लिश का बहुत महत्व है। इसलिए ये बुक पढ़ के आगे बढ़ेंगे बच्चे, बहुत ज़रूरी है इंग्लिश की मजबूत करना। जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ सत्यवान सैनी एचरा, जो कि एक अच्छे समाजसेवी हैं और जिन्होंने बताया कि वो आज कंचन फाउंडेशन के इस कैंप में पुस्तक लेके आए थे जो कि उन्होंने खुद लिखी है। और वो कहते हैं कि जो बच्चा इस पुस्तक को पढ़ेगा वो अपनी इंग्लिश अच्छी कर पाएगा, इन्होंने खुद अपने हाथों से लिखी है। मैं चाहूँगा कि सभी युवाओं से, बच्चों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आकर पुस्तक लें, सत्यवान सैनी जी से पुस्तकें लें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपनी इंग्लिश को अच्छी करें। कैमरा सहयोगी धर्मवीर के साथ पंकज शर्मा, कंचन टीवी, सफीदो। आप देख रहे हैं कंचन टीवी, आपकी आवाज़।